खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। 5 फरवरी यौमे यकजहती कश्मीर का दिन, जिस दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी मकबूजा वादी में बसने वाले कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हैं और इस आजम का अदा करते हैं कि भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। भारत के मुजालिम के सामने सीसापली दीवार बने कश्मीरियों का वाहिद मुतालबा आज़ादी है। मोदी की धमकियां और गैर कानूनी इकदामात कश्मीरियों का जज्बे हुर्रियत किसी सूरत कम नहीं कर पाई हैं। कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीली करने की भारतीय कोशिश दुनिया के सामने आया हो चुकी है। कश्मीरियों के खिलाफ गैर इंसानी हथकंडे का भारतीय इकदामात भारतीय फोर्सेस का मामूल बन चुकी है। बुलेट गन, आंसू गैस और पावर शेलिंग के इस्तेमाल से कई लोग अपनी आंखों की बिनाई खो चुके हैं, जिनमें मुतअद्दद बच्चों की तादाद भी शामिल है। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम से भारतीय वजीर आजम ने कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत को मजीद बढ़ा दिया है। न सिर्फ अक्वामे आलम बल्कि भारत के साथ चलने वाले भी अब कश्मीरियों की आज़ादी के हक में आवाजें बुलंद कर रहे हैं। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी।